छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि हमारा जो जितना है औरत या जो सुन रहा है देख रहा है, अपना आप के लिए भी आप लोग जो ससने सवरने के लिए आप लोग बाहर आइए और निकलिए, अपना आपका लाइफ को भी आप लोग इंजॉय कीजिए। ये मतलब नहीं कि गलत वे में नहीं, पॉजिटिव वे में आप बहुत सारा काम कर सकता है। और ये यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिसेस अरुणाचल के जो प्लेटफॉर्म है जो वोमेन राइट्स के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए काम करने के लिए ही यहाँ आया जाता है। ये जो हमको ये क्राउन जो दिया गया है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम आगे मिलके उन लोगों के साथ काम करने के लिए। वाइफ ब्यूटी पेजेंट के लिए अप्लाई किया और इस प्लेटफॉर्म में जब ग्रूमिंग करना शुरू हो गया, जब उसको सोशल मीडिया के थ्रू जानना शुरू हो गया, तो कई मतलब लोग और या फिर मेरा कोई जान पहचान के लोग भी हमको बोले पत्नियों को ऐसे मतलब ज़्यादा फ्री मत छोड़ो, ऐसे ब्यूटी पेजेंट में जाकर कुछ नेगेटिविटी वालों का थिंकिंग हो जाता है। ऐसे बोलकर हमको हमेशा मतलब एडवाइस करता है कि अपने को ऐसे ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एज एन हस्बैंड भी चीज़ वो करना चाहता है, एक हस्बैंड होने के नाते में उसे फुली सपोर्ट करना है, ऐसे मेरा दिल में सोचता और मैंने किया भी ऐसे ही। सिची है वो तंगो देव डबर सभ्यो है बिकम देव लागर प्याले है डाकम देव क्या पो जो एक है लेकिन भजू कल पाया है लेकिन भजू से अतो नो सोलो I'm
वहाँ पे जो ऐसा सिखाया जाता है जो कि कैसे आप जो गुड मदर होना है, गुड वाइफ होना है, सोसाइटी में काम करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम लोग का वहाँ पे ये भी ग्रूम किया कि अपना आप कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए। ऐसा है मिसेस जो अरुणाचल के जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा ब्यूटी पेजेंट जो प्रोवाइड करता है, यूनिक जो अपॉर्चुनिटी हम लोग औरत को दिया जाता है, जो कि बहुत बहुत कुछ सीख सकता है हम लोग जो औरत जो नहीं कुछ बहुत कुछ जो नहीं जानता है बहुत कुछ सीख सकता है। अपना आप पे मैंने ग्रूम किया है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाया जाता है और बिल जो कॉन्फिडेंस है जो अंदर में जो दर्द रहता है वो सबको बाहर लाया जाता है। वहाँ पे मेरा लिए बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था। डब्ल्यू बीइंग जो आज ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद और मीडिया पर्सन आपको भी धन्यवाद। अपना समय कमती समय पर आके यहाँ में हम लोग साथ में हमारा दीदी बहन के साथ में यहाँ पे मौजूद अपना टाइम को छोड़कर आप यहाँ में आज का दिन में यहाँ में मौजूद हुआ। सबसे पहले हम इन सभी को मैं धन्यवाद। और ये मैं तो कुछ कहना तो नहीं है इस समय में, फिर भी मेरा बहन जो हम लोग को अरुणाचल मिसेस अरुणाचल में सेकेंड रनर अप मिल के आया हुआ है उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। हम सब मिसेस अरुणाचल टीम का जितना कमिटी ऑर्गेनाइज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना भी आज मेरा बहन को आगे इतना अरुणाचल लेवल पे लेके गया बैनर सेकेंड रनर मिला के मिल के यहाँ में पहुँचा इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद आपको। हम लोग दिल से धन्यवाद हमारा दीदी बहन का तरफ से यही हम आप सबको मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू स्पेशल मीडिया फ्रेटर्निटी और ये अरुणाचल आइस। तो हमारे यहाँ आज हम लोग यहाँ क्यों है बोलने से हमारा एक गुवारी है तो मिसेस याची नतोंग कन्यांग उन्होंने सेकेंड रनर अप मिसेस अरुणाचल पिजन में आपका ये हुआ है विनर आया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ ग्रैंड रिसेप्शन प्रोग्राम में है। तो इसी सिलसिला में हम लोग यहाँ ये सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग ये हर सोसाइटी में ये होना चाहिए कि एक औरत को एक मौका देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये औरत जो आपका चार दीवार का अंदर में है बोल के ऐसे नहीं सोचना है। हम लोग एक औरत को एक मौका देना चाहिए सबसे पहला। और ऐसा ब्यूटी पेजेंट में हम लोग हस्बैंड लोग स्पेशली मैं भी मेरा ऊपर में भी मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जब मेरा वाइफ ब्यूटी पेजेंट के लिए अप्लाई किया और उस प्लेटफॉर्म में जब ग्रूमिंग करना शुरू हो गया जब उसको सोशल मीडिया के थ्रू जानना शुरू हो गया तो कई मतलब लोग और या फिर मेरा कोई जान पहचान के लोग भी हमको बोले पत्नियों को ऐसे मतलब ज़्यादा फ्री मत छोड़ो ऐसे ब्यूटी पेजेंट में जाकर कुछ नेगेटिविटी वालों का थिंकिंग हो जाता है ऐसे बोलकर हमको हमेशा मतलब वो एडवाइस करता है कि पत्नी को ऐसे ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एज एन हस्बैंड